आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर हैं। देवरिया में मुख्यमंत्री 2:30 बजे कृषि मेला प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 4:15 पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम आज दोनों ही जिलों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर हैं। देवरिया में मुख्यमंत्री 2:30 बजे कृषि मेला प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। बता दें, करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें, देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। इसके अलावा 4:15 पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम आज दोनों ही जिलों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बता दें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर हैं। देवरिया में मुख्यमंत्री 2:30 बजे कृषि मेला प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही 4:15 पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि दोनों ही जिलों को करोड़ों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव हमसे जुड़े हैं। हिमांशु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर हैं। जी बिल्कुल, अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। 4 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम परिसर में पहुंचेंगे, जहां पे उनको जो है 300 करोड़ की, लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का जो है लोकार्पण एवं सजा जाएगा। आपको बता दें, नगर निगम परिषद को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है और जहां पंडाल बनाया गया शास्त्री चौक से उनका प्रवेश होगा प्रवेश द्वार से, और पंडाल को गोरखनाथ मंदिर का पूरी तरह से स्वरूप देने की कोशिश की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी तैयारियों को पूरी कर चुका है, और ये पूरा पहली बार ऐसा होगा कि योगी आदित्यनाथ कुछ देर तक वहाँ बैठेंगे भी और नगर निगम परिसर में वहाँ पे लोकार्पण करने के बाद 12 के बाद सभी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को जानकारी लेंगे किस तरीके से इसमें जो है बुक मिल जाए। इसमें उत्तर से नगर निगम की और ये दोनों की जो है योजनाएं शामिल है। हिमांशु, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं गोरखपुर में, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें मयूरी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से शास्त्री चौक और गोलघर को पुलिस मौजूद रहेगी। पूरी तरह से सुरक्षा के लिए जितने भी छत हैं वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस मौजूद रहेगी, ड्रोन से जो है निगरानी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चार चौबंद व्यवस्था कर चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि
सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद उनको शास्त्री चौक से एंट्री करनी है और उसी मुख्य द्वार से जैसे ही प्रवेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह से इसे जीरो कर दिया जाएगा, किसी को भी जाने का प्रवेश आदेश नहीं रहेगा और ऐसे में कई विधायक और सांसद वहाँ मौजूद रहेंगे। मयूरी तो आगे के क्या कार्यक्रम होंगे सीएम योगी के, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मंदिर में वो अपना परिवार उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आपको बता दें कि कल वहां से उड़वा जाएंगे और वहां जाकर के गुणवल की रोड जो है कोलकाता से नाश करते हुए लोगों को देंगे। हिमांशु, करोड़ों की परियोजना देने की बात कही गई है तो इन परियोजनाओं में क्या कुछ शामिल है? बता दें कि इसमें जो है नाली से लेकर के सड़क तक की रोशनी की पूरी व्यवस्था की, जिन जगह पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है उस जगह पे पूरी तरह से लाइटिंग की जाएगी और साफ सफाई की व्यवस्था उसके लिए मशीनरी भी लगेगी, रात से सफाई की जाएगी ताकि कहीं भी, और पूरी तरह से इसको बता दें कि अमेरिका की तर्ज पे जो है अमेरिका की रोड होती है उस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को बाहर जरूर देते हैं। धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले यहां दीपोत्सव की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। बता दें कि 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। बता दें इस बार 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पीएम मोदी के आगमन से पहले यहाँ दीपोत्सव की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। बता दें कि 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से राघवेंद्र हमसे जुड़ेंगे। राघवेंद्र, इस बार रामनगरी अयोध्या में 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि ये छठा दीपोत्सव जो है वो भव्य बनाने के लिए एक बार फिर अयोध्या दुल्हन की तरह सजना चालू कर दिया है। बता दें कि उसी को लेकर के प्रस्तावित दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 19 तारीख को है, उसको लेकर के आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है जिसमें प्रदेश के डीजीपी, एडीजी सुरक्षा और पीएससी के और खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी जो है वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। अगर बता दी बात की जाएगी तो रामलला के सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पे बैठक अहम बैठक है जो उसको लेकर के की जाएगी। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, राम की पैड़ी का जायजा लिया जाएगा कि कहाँ क्या कमी तो नहीं रह गई है। कुछ कारण क्या है कि दीपोत्सव के दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी का आगमन भी हो सकता है।
क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर आ सकते हैं। कारण तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा कल 19 तारीख को है, तो इस और दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे, राम मंदिर सुरक्षा का जायजा लेंगे। तो अगर कुल मिलाकर के बात की जाएगी तो ये आज की जो बैठक होनी है वो एक दीपोत्सव के लिए अहम बैठक होगी। और बात की जाएगी तो राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना खुद का तोड़ेगी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव में। जी राघवेंद्र, 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का जायजा लेने पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात की जाएगी उनकी तैयारियों को लेकर के तो डीजीपी एडीजी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से पूरा बैठक कर रहे हैं और कहां कहां बैरिकेडिंग करना है, कहां खुफिया विभाग के लोगों को लगाना है, कहां एलआईयू को लगाना है, कहां पे पीएससी को लगाना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो लेकर के एक दिन पहले से ये आज काम चालू हो गया है। जी राघवेंद्र, 23 अक्टूबर को पीएम मोदी के शामिल होने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात की जाएगी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर जो निकल के आ रही है कि 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में शामिल होंगे। तो अगर बात करेंगे तो ये रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद ये रामकथा पार्क जाएंगे जो कि श्री राम का और राजाभिषेक करेंगे वहां पर। उसके बाद ये राम की पैड़ी जाएंगे जहां पर दीप जलाए जाएंगे, वहां पर 17 लाख दीप जलाए जाएंगे। तो वहां पर उसका वहां जाएंगे, सरयू आरती में जाएंगे, तो कई कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है। जी राघवेंद्र, इस बार 17 लाख दिए जलाने की बात कही जा रही है, तो इस बार कितना खास है दीपोत्सव? देखिए, बात करेंगे तो 22,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो इन दीपों को जलाने के लिए और बिछाने के लिए लगाए गए हैं। और अगर बता दें तो 15 लाख दिए, लगभग 15 लाख दिए जो हैं वो राम की पैड़ी पे पहुंच गए हैं, क्योंकि कल जो नोडल अफसर हैं दीपोत्सव के प्रैक्टर ये अखिलेश प्रताप सिंह, इनसे भी हमारी वार्ता हुई थी, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 15 लाख दिए जो हैं वो राम की पैड़ी पर पहुंच गए हैं, 22,000 वॉलंटियर्स इसको जलाने में काम करेंगे और तेल की बाती भी राम की पैड़ी पर पहुंच गई है। जी धन्यवाद राघवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पराग दूध के दाम बढ़ गए हैं। बता दें कि फुल क्रीम दूध पराग गोल्ड की दरों में इजाफा हो गया है। पराग गोल्ड दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इसके साथ पराग दूध की मिठाइयां भी महंगी हुई हैं। अहम बात यह है कि त्योहारों के समय में इस तरह से दूध और मिठाइयों के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब को काफी असर पड़ने वाला है। बता दें कि त्योहार नजदीक है, वहीं इस तरह दूध के दाम बढ़ जाना, सीएनजी के दाम बढ़ जाना काफी चिंताजनक है। राजधानी में एक बार फिर पराग दूध के दाम बढ़ गए हैं। बता दें पराग गोल्ड दूध के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। साथ ही पराग दूध की मिठाइयां भी महंगी हुई हैं। अहम बात यह है कि त्योहारों के समय में इस तरह दूध और मिठाइयों के दाम बढ़ जाना आम आदमी के जेब में काफी असर पड़ने वाला है। राजधानी लखनऊ में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पराग दूध का दाम बढ़ गया है। जी मयूरी, अगर बात की जाए तो महंगाई की मार कहीं ना कहीं जो आगामी त्योहार है उस पर मारते हुए दिख रही है, क्योंकि अगर देखें तो महंगाई का आलम यह है
बात की जाए तो लगातार अगर महीने में देखें तो जहां अमूल के वेटो में इजाफे के बाद अब पराग भी गोल में पीछे नहीं है। अब आपको बताएं कि पराग गोल्ड दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया गया है और जो पराग के तमाम जो दूध से बनने वाले उत्पादन है जो प्रोडक्ट है उसमें भी वेटो में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए मयूरी तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिवाली के त्योहार में मिठाइयों का एक बड़ा रोल होता है, साथ ही पराग एक मिठाई और साथ ही साथ दूध उत्पादन कंपनी है। और अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में बीते महीने आपने मयूरी देखा कि अमूल की तरफ से वेटो में इजाफा किया गया अब पराग की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो इससे परेशान और कहीं ना कहीं देखे तो महंगाई की मार झेलते हुए नजर आ रहा है। वहीं आपको बताएं कि जहां एक तरफ बढ़ती है महंगाई दूध के वेटो में दिख रही है, दुग्ध पदार्थों में दिख रही है, वहीं अब पेट्रोल और डीजल रसोई गैस के बाद सीएनजी भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में जो पेट्रोल की रेस है उसमें सीएनजी ने बाजी मार ली है। अब सीएनजी अगर बात करें तो अगर देखें तो 97 रुपए हो गई है, वहीं अगर बात की जाए तो 96 रुपए 20 पैसा नॉर्मल पेट्रोल का कीमत है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां दूध के रेट बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईंधन के रेट बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो परेशान नजर आ रहा है। और इससे कहीं ना कहीं देखें तो जो अगर सीएनजी के रेट बढ़े हैं इससे जो तमाम ऑटो है और तमाम जो यातायात में प्राइवेट है उनको कहीं ना कहीं महंगाई की मार उनके ऊपर लगते हुए नजर आ रही है। अगर देखें तो अगर तमाम जो ऑटो रिक्शा है, तमाम जो सीएनजी से चलने वाले गाड़ियां हैं उनके रेटों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अप्रैल के बाद लगातार अगर देखें तो पेट्रोल की रेट पर एक तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ सीएनजी 67 रुपए से अगर देखें तो 7 महीनों में 96 रुपए पहुंच गई है। तो इसका साफ तौर से अगर देखें जो छोटे मोटे शहरों के अंदर में यात्रा होती है उस पर जेब कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च होगी, और देखें तो कहीं ना कहीं त्योहार और साथ ही साथ ऐसे तमाम अगर देखें तो अभी इसी महीने के अंत में दिवाली है, भैया दूज है, तमाम त्योहार है, तो त्योहारों पे महंगाई की मार कहीं ना कहीं जनता इससे परेशान, और जो तमाम जो सीएनजी ग्राहक है जो सीएनजी का उपयोग करते हैं चाहे बात की जाए बस ड्राइवरों की चाहे ऑटो ड्राइवरों की, इन सबको महंगाई की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी मयूरी जी, विवांशु जैसे अभी आपने कहा कि मिठाइयां और दूध त्योहारों में एक अहम भूमिका निभाती हैं, तो त्योहार अभी नजदीक है और इस तरह दाम बढ़ जाना मिठाइयों और दूध के तो आम आदमी के जेब में कितना असर डालेगा? जी निश्चित तौर पर अगर देखे तो अमूल गोल्ड पे जो 2 रुपए का इजाफा हुआ है, साथ ही साथ पराग अगर देखे तो तमाम ऐसे उत्पादन बनाता है मिठाइयों का, तो उन सब में इजाफा होने से कहीं ना कहीं जो ग्राहक है उनको अब ज्यादा अदा करना पड़ेगा पहले के मुताबिक। तो त्योहार के ठीक पहले मिठाइयों के दाम जो पराग के होते हैं साथ ही साथ दूधों के दाम दूध के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं देखें तो त्योहार का असर फीका सा नजर आएगा, क्योंकि आम जनमानस जो है उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है और जो महंगाई है उसका आलम ये है कि एक गेंद को अगर आसमान में उछाल सबसे शीर्ष पे गेंद पहुंचेगी वही महंगाई का आलम है, और इससे कहीं ना कहीं त्योहारों का रंग फीका हुआ होते हुए नजर आएगा। वहीं अगर देखें तो इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है देश में बढ़ती महंगाई को लेकर, क्योंकि अगर देखें तो जहां एक तरफ दूध के रेट बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आज ठीक सुबह 96 रुपए सीएनजी के रेट चले गए हैं, तो इससे तमाम जो अगर देखें तो दूध साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी 5% का GST लगाया गया है, जिससे दूध दही मछली और तमाम आटा जैसे जो प्री कुक्ड फूड होते हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो महंगाई के इस आलम से परेशान है, और सरकार को निश्चित तौर पर महंगाई पर लगाम लगाते हुए जनता को राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखें तो पर कैपिटल इनकम में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि अगर महीनों की अगर आंकड़ों को निकाले तो दूध और तमाम जो सीएनजी है पेट्रोल है और पीएनजी है इन सब के वेटों में इजाफा से जो जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है और कहीं ना कहीं जेब उनका कटते हुए नजर आ रहा है। त्योहारों पे साफ तौर से इसका असर दिखेगा मयूरी, अगर देखें
तो दिवाली के त्योहार में मिठाइयों का उपयोग ज्यादा होता है पूजा में तमाम जगहों पर, तो पराग के 2 रुपए वेट बढ़ने से प्रति लीटर और साथ ही उनके मिठाइयां, और ठीक अगर देखें तो 1 महीने के पहले लगभग अमूल की तरफ से भी वेटों का इजाफा किया गया था, जिसके बाद किसानों ने इसका प्रदर्शन किया था, अमूल प्लांट का घेराव किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो किसान अपने दूधों को अपने डेयरी उत्पादनों को जाकर और तमाम जगहों पर बेचता है उसको क्या उस पर इजाफा मिलता है, क्या कंपनी महज अपनी वेट बढ़ाई है या जो जिनसे दूध खरीद रही है उनको भी राहत पहुंचाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मगर कहीं ना कहीं महंगाई के आलम से जनता परेशान है, और जनता की अगर बात करें तो आम जनमानस का यही कहना है कि सरकार से उनकी गुजारिश है कि महंगाई का पे लगाम लगाकर और जनता को राहत की सांस देने की बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मयूरी अगर देखा जाए तो जहां सीएनजी के वेट बढ़े हैं तो ऑटो चालकों का कहना है कि किराया किस मुताबिक बढ़ाया जाए इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं वो मायूस है सीएनजी के वेटों से बढ़ने से, क्योंकि उनका कहना है कि पेट्रोल और सीएनजी में कोई अंतर नहीं बल्कि सीएनजी महंगी हो गई है, और एक दौर था जब सीएनजी कहीं ना कहीं जो कॉमन अगर देखें तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है जिसमें कहीं ना कहीं वातावरण भी सुरक्षित रहता है, और आमतौर पर देखें तो जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो इससे चलते हुए आती हैं, तो अगर आम तौर पर देखें तो सीएनजी और बढ़ते दूध के कीमतों से और डेयरी उत्पादनों की कीमतों से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और ऑटो चालकों का यही कहना है कि त्योहारों पर कहीं ना कहीं ये सीएनजी और तमाम जो चीजें बढ़ रही है उससे त्योहारों का रंग फीका होते हुए नजर आएगा। जी जी धन्यवाद भुवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।